तो सोना मेरा सरदार अनमोल है, क्यों अनमोल है? रब दे खजाने दी खुदी जी दा जिक्र कर गया कि ता क्यामत उन्हों का जिक्र है जिन्होंने मालिक का जिक्र किया तो मालिक ने फिर यह काम किया कि उन्होंने कहा क्यामत तक बड़ी तरह के जलजले आएंगे लेकिन ये आस्थाने ये स्थान और उन्होंने नाम कायम रहेगा। मैंने भी हुक्म है कि मैं नतमस्तक क्योंकि तौबा करके जाना चाहिए। हूँ ही कवाल हजरात का सुरीला इन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली का जिक्र किया। दस दिन के एक दिन बच्चे हजूर पाक खुद बजाते खुद त्रेंट वाली तौबा करते से माफी मांगते से रब तो जितों उस लैवल के सानू भी चाहिए साहबा करिए शुक्र भी करिए तौबा करिए। बस दो गल्लां दे इर्द गिर्द देखो सौन तो पहले ही जरूर हिसाब किताब करके सौना चाहिए। यानी मैं सुनिया मेरी जिंदगी ऐसी नहीं है, मैं सुनिया या पढ़िया ही या बुजुर्गों के कदमों बुद्धन शाह वर्गिया हस्तियां लाहौर वाले मैया जी जिन्हें दस गए दुनिया में तसव्वुफ की है, रूहानियत की है, सूफीज़्म की है। उन्होंने यही समझाया कि सौन तो पहला हिसाब किताब करके ही सौना चाहिए कि अज मैं जो भी काम किए सारा दिन साहब की खुशी ले तो ऐसा काम तो नहीं देना वड्डा साहब दूसरा हिसाब किताब करके सौंदा तो फिर कोशिश करता कि मैं अब कुछ ऐसा कर्म किया जिदे नाल मेरा माफी मंगना बनता मेरा मात्र मेरे सबसे ज्यादा किताब होंगी तो वो रहीम है वो करीम है वो माफ भी करता है। कोशिश करनी चाहिए है देखो दरवेशी इन्नी फकीरी एक बहुत वड्डी मंजिल है। सानू यही कोशिश करनी चाहिए कि बेहतर इंसान ही बन जाइए
बेहतर इंसान ही बन गया था इस जिंदगी बहुत है। बाकी दिनेश साईं तीन पति वही अल्लाह मुश्किल हो गया उसका मेरा लाख हो गया। एक बार फिर शौकत भाई साहब का चेयरमैन साहब का बहुत खरीदा तुरै तुरै जा जे कोई मिल जाए रब का वक्त है कि तू नहीं बख्शा गया रोजे हशर जब पेशी होनी है साढ़े वर्गे ने कहना जी कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिद नाल माफी से हकदार है बस एक ही कर्म है कि इन फकीर के जोड़े खरीदी होंगी थी उन्होंने जोड़िया का सरसा माफी जिंदगी तू बेली तो सब जग बेली तू बेली तो सब जग बेली आनबेली भी बेली पर उस वेले का कोई नहीं बेली जब जाती है जाने उदो तकलीफ होती है दूर उदो फिर क्या उन्होंने कि फरमाया कि फस गई जान शिकंजे अंदर ज्यों वेलन बिच गन्ना रो ना पो हुण रो ना हुण जे रो देखो फिर आप फरमाते हैं जिन्हें नहीं तू पाप कमाना अब कितने गए तेरे घर को मैं देखा जनाजे से जाने आप किसी जगह शमशान घाट पर किसी कब्रिस्तान पर उस तो पहले नीर डियर जो सब तो क्लोज होते जिन्हें नहीं हर तरह का आप जिंदगी असूल कुरबान कर देने जेडे सब तो नज़दीक के रिश्तेदार होंगे कहते ज़्यादा दूर नहीं लगता जल्दी लैन का काम उन्होंने आता उन्होंने होंगे जल्दी काम निबेड़िए अपना रखते चाहिए गल इन्नी की है कि फिर वो फकीर जो नज़र मारता है तो नबिया साहब ने फरमाया कि जिन्हें तू पाप कमाना अज कितने गए कर दे पैर पसार प्यों में कटो कटो कर इस करके मालिक तो डरना चाहिए हर वक्त खौफ रखना चाहिए एहतरामे आदमी पहला सब के एहतरामे आदमी है। बहुत सारे लोग कहते जी मैं किसी को कख नहीं समझता रब उन्होंने ये नहीं पता कखा की भी जरूरत पै सकती है जोड़ा रब वाल चलता वो तो कुत्तिया भी चुका पाँगा वृक्षा में भी चुका पाँगा जो किसी का किसी न प्यार हो तो आल आज ना प्यार पहला होगा वो क्रिएशन जो क्रिएटर ना प्यार है तो क्रिएशन ना प्यार है तो इस करके केंद्र कितने मिले तो मैं तेरे हाथ चुमला आ मूर्त बनाने वाले केंद्र लगते रहे इस तरह साढ़े जोड़े बचते रहिए कहानियां होंगे रहन यही इन्हों दरबारा की मर्यादा है। हम कई तरह के काम चेंज भी हो गए पर एक कवाली जी आ कवाली शुरू से पर मालिक का जिक्र से बहुत खूबसूरत गल है शौकत साहब बड़ी मेहरबानी बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश कर थैंक यू।